दोस्तों वेलकम टू अजमीना डायरीज। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आयत एंड ज़ारा का बेडरूम। तो उनका बेडरूम कैसा बनाया है वो सब डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते देखते हैं। यहाँ पर वहीनी कर रही है, मेरे वार्डरोब को लगा रही है, सेट कर रही है, और बच्चे बालकनी में हैं। क्या कर रहे हैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ क्या कर रहे हैं दोनों। मस्ती, ये देखिएगा, ये देखिए, ये ज़ारा भी यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही है। वाह ज़ारा, क्या बोलना है आपको? चलो आयत, अभी आप अपना बेडरूम सब लोगों को बताओ। आयत के बेडरूम में नॉक नॉक। तो ये रहा आयत का बेडरूम इन डिटेल। ये आयत के रूम में है चांद तारे जो बनाए हुए हैं, और ये है आयत की बालकनी। और मेरे को सबसे अच्छा इस रूम में लगा है, बता रही। ये है आयत का ब्लैक बोर्ड जो हमने स्पेशली उसके स्टडीज के लिए बनाया हुआ है, उसके ऊपर हम खेलते भी हैं। हाँ, ये आपको कुछ बता रही है ज़ारा, चली गई। तो फाइनली दोस्तों ये है आयत का बेडरूम जो हमने बनाया है आयत के लिए। तो यहाँ पे आयत का है गुल्लक, जिसमें वो पैसे जमाती है। उसके नाना ने उसको स्पेशली लाया था। यहाँ पे आयत का लैम्प है, और यहाँ हाँ छोटा सा स्टोरेज उसने लाया था, और नीचे उसका कुछ स्टफ रखने के लिए हमने वो ड्रॉर्स बनाए हुए हैं। और यहाँ पे स्पेशली बच्चों के लिए हमने यहाँ पे नीचे उनके बुक्स एंड टॉयज रखने के लिए ऐसे ड्रॉर्स बनाए हुए हैं। फिर यहाँ पे उनके बैठने के लिए गद्दा भी डाला हुआ है जिससे वो आराम से चील कर सकते हैं। ज़ारा आपको क्या? ज़ारा इधर देखो, मेरे पास सारा है, देखो। हाय करो सबको। हाय, आपको कैसा लगा अपना रूम? बहुत अच्छा लगा। इधर इधर देखो, बताओ इधर देखो। अच्छा लगा। सबसे अच्छा क्या लगा ज़ारा आपको? अरे इधर की लाइट लगाओ ना दोस्तों, ये देखिएगा, ये लाइट्स भी कितनी अच्छी सी लगाई गई है यहाँ पे। और ये थोड़ा सा स्टोरेज बनाया हुआ है बुक्स वगैरह रखने के लिए उनके लिए। सबसे अच्छा मेरा रूम लगा, और इस रूम में सबसे अच्छा मेरे को दो चीज़ लगी, एक दो। और ये है उनकी फेवरेट वॉच जो उसके पापा ने अमेजोन से मंगाया है। यहाँ पे एसी है, यहाँ पे उनका वॉशरूम है। तो क्या बताऊँ, और यहाँ पे देखिएगा, ये फेवरेट चीजें हैं यहाँ पे। सबसे मुझे सबसे अच्छी इन तीनों में से लगता है ये, क्योंकि मुझे ये गिफ्ट किया था समरान मामू ने। ये दो चीज मुझे इतनी अच्छी पसंद है। और ये है हमारे सामने वाले अंजलि आंटी ने आयत के गिफ्ट किए थे उसको, उनके रूम के लिए। हाँ अंजलि आर्ट, उनका भी चैनल है। और यहाँ पे है इनका वॉचेस एंड गॉगल्स का कलेक्शन, और यहाँ से ऐसे व्यू दिखता है। सो आपको बहुत छोटा व्लॉग था। हाँ आयत और ज़ारा का रूम अच्छा लगा होगा। ये व्लॉग हम कंटिन्यू करते हैं और आगे आगे देखते हैं क्या होता है। थोड़ा घर में काम भी चल रहा है, पसीना भी बहुत आ रहा है, फैन लगाओ। ओ हो ओके बंद कर दी बंद। दिखाओ इधर जल्दी इधर आओ जल्दी। अच्छा ये देखिए, ये मेरा पर्स का कलेक्शन है। ठीक है तो दोस्तों, आपको मेरा रूम अच्छा लगा है? कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आयत का रूम, मेरा रूम सबसे अच्छा लगा कि मामा का रूम अच्छा लगा? दोस्तों बताओ मेरा रूम सबसे अच्छा लगा कि मम्मा का रूम सबसे अच्छा लगा? हमारी फ्यूचर ब्लॉगर है हमारी ज़ारा, इसका
इंशाल्लाह ये मेरे से भी बहुत अच्छी ब्लॉगर बनेगी इंशाल्लाह, है ना सारा? हम दोनों, मैं इसके साथ सपोर्टर हूँ। और दोस्तों आप बताओ मेरा नाम, दोस्तों आप बताओ मेरा रूम सबसे अच्छा है कि मम्मा का रूम? नहीं, जारा आयत और जारा का रूम ही अच्छा है सबसे। सो देखते आगे क्या होता है। स्टे ट्यून्ड। पार्सल आया है आइकिया से, हमारे भाभी ने हमारे लिए ऑर्डर किया था। लाइट्स, देखते हैं क्या है इसमें। तो ये लाइट्स है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं आ जाओ इधर जल्दी से। तो ज़ारा को अलग से मोबाइल चाहिए वीडियो बनाने के लिए, इसलिए वो पीछे से चिल्ला रही है। तो दोस्तों अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पास्ता। तो चलिए बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी, ज़्यादा फुल रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, बस थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मैं पास्ता कैसे बनाती हूँ। चलिए बनाते हैं पास्ता। तो दोस्तों बस मुझे ऐसा झुक के बात करनी पड़ रही है। और यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ वेजीज पास्ता के लिए। पास्ता बनाने के लिए वेजीज एंड अदरक लहसुन एकदम फाइन चॉप कर रही हूँ, एकदम छोटे छोटे पीसेस में। पीछे ज़ारा भी ब्लॉगिंग कर रही है, ज़ारा को बहुत शौक है ब्लॉगिंग करने का दोस्तों। और बताइए आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम अच्छे, और मैं ट्राई कर रही हूँ आपको अच्छा अच्छा कुछ कंटेंट देने की, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाने की इंशाल्लाह। फिर मैं रोज़ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी इंशाल्लाह। ज़ारा भी वहाँ पे शुरू है, जो मैं बोल रही हूँ वो वहाँ पे रिपीट कर रही है। तो ये सब कटिंग वटिंग करके फिर मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ, ठीक है दोस्तों? स्टे ट्यून्ड। तो ये देखिएगा, ये सारा पास्ता का हम लोगों ने निकाल के रख दिया है। यहाँ पे वेजीज, थोड़ी सी ही वेजीज, ज़्यादा वेजीज बच्चे खाते नहीं। चिकन ऑलरेडी मैंने मैरिनेट करके रख दिया था, अभी उसको हम चिकन पास्ता बनाने वाले हैं। फर्स्ट उसको फ्राई करके लेंगे और ये सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाते हैं चिकन पास्ता। स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे मैंने पास्ता बॉइल करने के लिए रख दिया है और यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है। तो देखते हैं हमारा पास्ता कैसे बनता है, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ गार्लिक पाउडर, नहीं सॉरी ऑनियन पाउडर, और यहाँ पे है गार्लिक पाउडर। ये दो भी मैं यूज़ करने वाली हूँ पास्ता बनाते बनाते। यहाँ पे हमारा गिम्बल आ गया है, तो चलो यहाँ पे इसको सेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है और ये क्विक रेसिपी है, फट 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 बन जाने वाली दोस्तों। इसमें कुछ तामझाम नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे अभी मैंने, मुझे एक्चुअली गिम्बल ठीक से सेट करने नहीं जम रहा है यहाँ पे, बट मैं आपको जैसे भी है फट 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 बताती हूँ। सस देखिए, एंजॉय कीजिए और गलती हुई होगी तो माफ़ कर दीजिए। यहाँ पे अभी मैं वेजेस डाल रही हूँ यहीं पे, बिकॉज यहाँ पे चिकन को एक साइड में करके यहाँ पे थोड़ा सा ऑनियन एंड इसको सॉल्ट कर लेंगे यहीं पे। और खाने के वक्त ऐसे कुछ नहीं है कि स्मेल आएगी, ये आएगा दोस्तों, खाना है कुछ नहीं, स्मेल भी लाती है, उल्टा पास्ता बहुत अच्छा यम होता है। अगर आपको फटफट फटफट करना है, कुछ बर्तन ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं अलग 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 धोने के लिए, मतलब अभी कोई है नहीं फटफट फटफट क्विक में करना है, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो, फटफट फटफट हो जाता है। ये देखिए इसको अच्छे से सॉल्टे करेंगे और फिर इसमें सॉसेस ऐड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे सॉसेस ऐड कर लिए हैं, अब हम ऐड करेंगे इसमें शेजवान चटनी थोड़ी सी, सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ी सी। ओके, okay.
थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। पास्ता में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ऑनियन पाउडर एंड गार्लिक पाउडर का। और फिर फाइनली हम ऐड करेंगे टोमेटो केचप टेस्ट के हिसाब से, एंड देन ऐड करेंगे सॉल्ट। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कुछ भी तामझाम नहीं है पास्ता में हमारे, कुछ भी नहीं मैंने ज़्यादा यूज़ किया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे पास्तास भी बॉईल हो रहे हैं अच्छे से, और हो जाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद मैं आप लोगों को, यहाँ पे रेडी हो चुकी है हमारे पास्ता की ग्रेवी। रेड सॉस पास्ता है तो ये है पास्ता की ग्रेवी, रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे पास्ता बॉईल हो रहा है, ये बॉईल होने के बाद इसमें ऐड कर देते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं कैसे लगता है पास्ता। यहाँ पे हमने पास्ता ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स मिक्स करते हैं। अच्छे से मिक्स मिक्स करने के बाद देखते हैं कि हमारा पास्ता कैसे लग रहा है, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे हमने पास्ता रेडी कर दिया है, अभी इसको कुछ टाइम के लिए 5 मिनट के लिए ढक के रखते हैं। और इसमें हमने चीज़ स्लाइसेस भी ऐड कर दिए, अभी इसको हम 5 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे। तो अभी होने के बाद आप लोगों को बताती हूँ, बट ऑलमोस्ट हो गया है और फाइनल लुक आपको बताती हूँ। ठीक है, हमारी रेसिपी भी बन गई है और हमारा किचन भी अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है। रेसिपी के साथ साथ किचन भी क्लीन करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम चेक करेंगे हमारा पास्ता। रेसिपी शूट करना इतना आसान नहीं है, तो वाव मेहनत वसूल हो गई है। मैं आपको बैक कैमरा करके बताती हूँ, ये देखिएगा फाइनल लुक हमारा। तो अभी हम गैस ऑफ कर देते हैं। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। आ गई हूँ मेरे रूम में, तो चलिए चलते हैं। ये व्लॉग मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है। आई होप सो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं दोस्तों, सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।